हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके और साइंस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला सर्जन कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, मेहर मूसा, संतोष यादव, आरती सहा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, रेडक्लिफ रेखा किस दो देशों को विभाजित करती है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही न्यूज़ में था ये। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, मानवतावादी पुरस्कार 2019 की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कहाँ का, कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। गुरुमुखी लिपि किस सिख के द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु हरि राय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली या कराची। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ढाका में स्थित एहसान मंजिल कॉलेज किसके लिए प्रसिद्ध है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी किसने, हेनरी विवियन डिरोजियो ने। ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है किसको, सिराजुद्दौला को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज 1911 कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी। तो प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है?
आपके सामने चार ऑप्शन है, दिल्ली, भोपाल, पटना या कोलकाता। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु भी जो है कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। और प्लासी जो जगह है वो भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, आसान प्रश्न है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, टोटल 46 होती है, पेयर की बात की जाए तो हो जाएगी 23। ठीक है, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये की थी किसने, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, दिमाग, किडनी, हृदय या त्वचा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, पेसमेकर का संबंध है हृदय से। मनुष्य के हृदय में चार चैम्बर होते हैं, ये भी याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया था, साइमन कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इज आवर करेक्ट आंसर, 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा संचालक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 20वां प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, 290, 210, 350 या 310। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 310। ठीक है, 310 हो जाएगा केल्विन, मानव शरीर का तापमान केल्विन में होता है 310। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 2019 के आम बजट को किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये पेश किया गया था किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, हरभजन सिंह, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, K2, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, K2। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, K2। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जापान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका या कनाडा। देखिए इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया हुआ है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, मैगलेन, रॉबर्ट पियरी, एमंडसन या अलेक्जेंडर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर जो कि उड़ीसा में है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कोयला के लिए। ठीक है, तालचेर जो कि उड़ीसा में है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, लुम्बिनी में हुआ था बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का ने। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और विजयनगर साम्राज्य के ये जो है कृष्णदेव राय बहुत ही महान राजा थे, बट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने। 29th क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया,
अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको आपको अच्छे से रट लेना है। अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दही में संपादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? यह है रेनिन। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 जीके के प्लस साइंस के प्लस करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इनमें से चार से प्रश्न आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।